आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोरदार बारिश के चलते धौलपुर और मुरैना के बीच रेलवे ट्रैक धसकने के कारण ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। बताया जा रहा है कि धौलपुर और मुरैना के बीच ट्रैक धसकने के कारण पिछले कई घंटे से दिल्ली और भोपाल से आने जाने वाली सभी ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बंद है। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक को ठीक करने के लिए रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण पटरी के नीचे से मिट्टी धसकने के कारण दिल्ली से आने और जाने वाली सभी ट्रेनें रुक गई हैं। वहीं दिल्ली जाने वाली एक दर्जन से अधिक ट्रेनें ग्वालियर और मुरैना रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही ग्वालियर की ओर आने वाली एक दर्जन से अधिक ट्रेन राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई हैं। इसके अलावा शताब्दी एक्सप्रेस भी धौलपुर रेलवे स्टेशन से निकलते ही आउटर पर खड़ी कर दी है। पटरी को दुरुस्त करने का काम जारी है। रेलवे विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पटरी के नीचे से मिट्टी धसकने के कारण रेलवे का आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और मेंटेनेंस की टीम वहां पर पहुंच गई है। लगातार पटरी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद रेलवे का आवाहन पूरी तरह संचालित हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि उस इलाके में मूसलाधार बारिश होने के कारण ट्रैक के नीचे से मिट्टी धसक गई है।